गेटिंग गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। काबा शरीफ से आई दिल दहलाने वाली वीडियो, क्या कोई सचमुच में ऐसा कर सकता है, वो भी हरम शरीफ मक्का मदीना के अंदर। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार जिंदगी में एक मर्तबा मुझे काबा शरीफ होकर के आना है, एंड इंशाल्लाह ताला मेरी ये ख्वाहिश नेक दिल से करी गई है तो जरूर से पूरी होगी। पर उससे पहले फिलहाल जो लोग काबा शरीफ के अंदर ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आज वो एक्सप्लोर करने हम यहाँ बैठे हैं। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया कि किस तरीके का मंजर हमें आज देखने मिलेगा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमको अल्लाह सुबहान व ताला के करीब ये वीडियो लेकर के चला जाएगा। एंड आई ऑलरेडी फील इमोशनल, पता नहीं क्यों ये भाव जो होते हैं ना वो मेरे दिलो जहन में बह रहे हैं अभी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अब्दुल रशीद मिफ्तही साहब, मेरे फेवरेट मौलाना जी, इस वीडियो को होस्ट करेंगे और हमको कुछ ईमान आफरोज कर देने वाला किस्सा सुनाएंगे। तो क्या आप मेरी तरह बहुत खुश और इमोशनल हैं? तो फिर देरी कैसी, झटपट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम ना ढेर सारी तफसीली गुफ्तगु करेंगे जो कि प्यार भरी मोहब्बत नुमा होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कभी कभी ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि बेसाख्ता दिल में बहुत सारी बातें आ जाती है। अब दिल में जो बातें आई है वो दिल की बातें किससे कहें, और इंसान की फितरत है कि वो अपनी दिल की बातें अपनों से करता है। और अल्लाह के फजल और करम से आप मेरा यकीन मानिए, आप लोगों से बढ़कर मेरे अपने कौन हो सकते हैं जो मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं। हालांकि आज वीडियो बनाने का इतना खास मूड नहीं था, बस ये वीडियो सामने आया तो दिल में बहुत सारी बातें आ गई, कैमरा ऑन किया, सामने बैठ गया, कहा कि चलो आप लोगों से ऐसे ही शेयर कर देते हैं जो बातें दिल में आई हैं। तो आप जरा गौर से सुनिए। देखिए, बैतुल्ला यानी काबतुल्ला से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कौन ऐसा मोमिन होगा जिसकी ये चाहत ना हो कि वो जिंदगी में एक बार क्यों ना हो काबे की जियारत करें। वहां सब जाना चाहते हैं, बल्कि मामला तो ये है कि जो एक बार जाकर आ जाता है वो और ज्यादा प्यासा हो जाता है, उसकी तिश्नगी बढ़ जाती है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। जो एक बार जाता है वो बार बार जाना चाहता है, जो बार बार जाता है वो वही रहना चाहता है, और जो वही रहता है वो वही मरना चाहता है। ये तो उस सरजमीन की, उस खाने काबा की, उस अल्लाह के घर की खासियत है, बरकत है। अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। मुझ गुनेगार को भी अल्लाह ने अपने घर की दीदार की जियारत की कई बार तौफीक दी। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं, और आपको बताऊं जब भी काबे पे नजर पड़ती है रूह के अंदर तक ऐसी ठंडक महसूस होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मरीज मोहब्बत को फकत दीदार ही काफी है, तबीब के हजार नुस्खों से निगाह यार ही काफी है। इस वीडियो को देखकर मुझे इस माजूर औरत, इस माजूर हाजी की मोहब्बत का अंदाजा हुआ। हालांकि वहां माजूरों के लिए कुर्सियां है, व्हीलचेयर भी होती है, तवाफ कराने वाले भी होते हैं, वहां मौजूद रहते हैं। हमने देखा है कि लोग जरा जरा से उज्र को लेकर बिना व्हीलचेयर के तवाफ नहीं करते, सही नहीं करते, या फिर कुछ लोग तो ज्यादा थकावट ना हो जाए तो भी व्हीलचेयर की खिदमत ले लेते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर भी आ गई है कि बटन दबाओ, यू तवाफ यू सही मुकम्मल कर लो। लेकिन एक बात आपको बताऊं,
माजूरों की माजूरी, उनकी बीमारी अपनी जगह पर ठीक है, उनके लिए जायज भी है, कोई मसला नहीं है, हम उनको कोई तनकीद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, नूरानियत उसी तरीके में है, तवाफ की भी, सही की भी, हज की भी, उम्रे की भी, जिस तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा इकराम ने किया रिजवानुल्लाह तआला अजमईन और औलिया अल्लाह ने किया, उसमें जो नूरानियत है वो अब नए जमाने के जितने भी सहूलियात पैदा हो गई है उसमें वो नूरानियत उतनी नजर नहीं आती जितना पैदल तवाफ करने में, पैदल सही करने में, या फिर हज करने में, जो भी नेचुरल जो फितरी तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, औलिया किराम ने जिस तरीके पर किया उसी तरीके में करने में ज्यादा नूरानियत महसूस होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो व्हील चेयर पर करते हैं उनको मैं कोई तनकीद कर रहा हूं, उनका तो अपना उज्र है, उनको बराबर पूरा के पूरा सवाब मिलेगा ही। ये तो मैं जो सेहतमंद है उनके लिए बात कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि माजूर लोग, माजूर हाजी साहिबान मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन इस औरत को आप देखिए, इस माजूर हाजी को आप देखिए, हद से ज्यादा माजूर है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जमीन पर रेंगते हुए अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है, बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी के सहारे, अपने बे इंतहा उज्र के बावजूद जमीन से लिपट कर खुदा के घर के चक्कर लगा रही है और अपने गुनाहों की माफी मांग रही है, गोया कह रही हो कि तेरे बख्शिश के भरोसे खताए की है मौला, तेरे बख्शिश के भरोसे खताए की है मौला, तेरे रहमत के सहारे ने गुनहगार कर दिया, मेरी इस हालत पर मौला तुझे रहम आ जाए, इसलिए मैं इस तरह से चक्कर लगा रही हूं, ये अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह ज्यादा है या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए और इसी बहाने हमें बख्शिश मिल जाए। इंसान गुनाहों का पुतला है, उससे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन याद रखे बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला को भी वो गुनहगार पसंद है जो तौबा करने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से माफ भी कर देता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। इसलिए अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे करम का कोई हिसाब नहीं। ठीक है, हम फिर से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ, बड़ा तकदीर वाला समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर पर बार बार बुला रहे हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये है हमारे भारत महान के मौलाना साहब का नूर। अच्छा मैसेज उन्होंने हमें दिया कि जो कोई भी इंसान सेहतमंद है, एटलीस्ट वो तो ये टेक्नोलॉजी और इतनी सारी लग्जरी हमारे पास आ गई है, उसका मिसयूज़ काबा शरीफ इतनी स्पिरिचुअल, इतनी रिलीजियस जगह पर तो ना करे। बट पीपल डू इट, इट इज हैपनिंग। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो उमराह पर जाकर के आ जाते हैं और उसके बाद वापस से वही हराम काम कंटिन्यू करने लग जाते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये बात सही है? मेरे को ये किसी मायने में ना जस्टिफाइबल नहीं लगता है। और कहां ये एक हमारी प्यारी सी भक्त जन थी, डिवोटी थी, जिनको इतनी प्रॉब्लम थी, फिर भी वो काबा शरीफ का तवाफ कर रही हैं, क्रॉल करके, उनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन श्रद्धा इतनी है ना कि व्हील चेयर पे जाने का भी उनका मन नहीं है। आमतौर पर वो बेशक व्हील चेयर यूज करती होंगी, पर जब भी वो हज पे गई हैं तब नहीं, इट्स अ बिग नो। इतनी मोहब्बत अगर अल्लाह सुभान व तआला से हर इंसान करने लग जाए ना, विश्वास इतना बंध जाए कि मेरे अल्लाह जो है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो दुनिया की रंगत ही अलग होगी, हर इंसान के चेहरे पर नूर ही अलग होगा, ईमान की रोशनी ही अलग होगी। आई होप एक ऐसी दुनिया क्रिएट हो हमारे इर्द गिर्द।
दिल को बड़ा सुकून ठंडक मिली है ये वीडियो देख करके और मौलाना साहब की बातें सुन करके। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं निधि शर्मा आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आपसे लेती हूँ इजाज़त। अलविदा हरगिज़ नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसे ईमान अफरोज़ कर देने वाले वीडियोज़ के साथ हमें रोज़ाना मिलना है। सो अनटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम अपना रखिएगा ढेर सारा भरपूर ख्याल, वो भी चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि ये मुस्कान बड़ी जचती है आप पर और अल्लाह सुबहान व तआला को भी स्माइलिंग फेसेस ही पसंद है। वो राजी रहते हैं जब भी वो सच्चे दिल वाले इंसानों को मुस्कुराते देखते हैं। तो सो कीप इट ऑन। ओके, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।